गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस फर्स्ट ईयर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 अष्टांग हृदय का। फर्स्ट पार्ट हमारा इसका आ चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अजीर्ण में भोजन परिणाम। परिणाम का मतलब क्या है? परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। अगर हमारा खाना अजीर्ण यानी कि इनडाइजेशन, जब खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका रिजल्ट ये होगा कि दो रोगों की उत्पत्ति होगी। कौन से रोग? एक अल्सक रोग और एक होता है विसूचिका रोग। देखिए अल्सक रोग क्या होता है? अल्सक रोग होता है, ये बताना है मुझे आपको। देखिए अल्सक रोग के लिए श्लोक दे रखा है अष्टांग हृदय की बुक में, 6 श्लोक है और 7 श्लोक है विसूचिका के लिए। ठीक है, हम ये दोनों पढ़ेंगे होते क्या हैं। देखिए अगर अल्सक रोग की डेफिनेशन दी जाए तो डेफिनेशन में हम ये बोलेंगे, जो हमारा खाना होता है स्टमक के अंदर, जो स्टमक के अंदर खाना है वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है यानी कि अजीर्ण है वो। तो जब वो अजीर्ण खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, होगा क्या कि वो ना तो ऊर्ध्वभाग से, ऊर्ध्वभाग यानी कि माउथ से, मतलब ऊर्ध्व मार्ग से यानी कि मुंह से, माउथ से भी बाहर नहीं आता खाना, और अधो मार्ग यानी कि एनल रीजन से, मतलब एनस से, ना तो खाना हमारा माउथ से बाहर आता है और ना ही खाना हमारा एनस से बाहर आता है। ठीक है, खाना आलसी होकर हमारे पेट के अंदर पड़ा रहता है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता, उसे बोला जाता है अल्सक। ठीक है, जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, मतलब वातपित्त कफ दोष जब उसके साथ में मिल जाते हैं तो हमारे पेट के अंदर एक अवरोध पैदा करते हैं। ठीक है, उसे ही बोला जाता है अल्सक। अब विसूचिका, जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो हमारे स्टमक के अंदर रहेगा तो उससे क्या होगा, हमारे पूरी बॉडी के अंदर एक सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है। ऐसा लगेगा पूरी बॉडी के अंदर कि सुई चुभा रहा है जैसे कोई, तो सुई चुभने जैसी पीड़ा जो होती है उसे बोला जाता है विसूचिका। आप इनके श्लोक दोनों के अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, अष्टांग हृदय के श्लोक नंबर 6 और 7 है चैप्टर नंबर 8 का। ठीक है गाइज, अब इसके बाद देखिए हम देखते हैं अल्सक के लक्षण। अल्सक के लक्षण क्या होंगे? देखिए विशेष रूप से दुर्बल मंद अग्नि और वेगों को रोकने वाले व्यक्ति में वायु से पीड़ित अन्नमार्ग में कफ के रुक जाने के कारण, अन्न दोषों से युक्त होने के कारण, शल्य के समान कष्ट देता हुआ आमाशय में स्थित होकर तीव्र छर्दी और अतिसार को छोड़कर शूल आदि को उत्पन्न करता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अल्सक के, अगर हम अल्सक के लक्षण देखते हैं तो यहाँ क्या होगा, अग्निमंद हो जाएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। किसकी वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा? जब कफ बढ़ जाएगा। ठीक है, जब अग्निमंद हो गई और वेगों को रोकने, वेग किसे बोलते हैं? वेग मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था, अधारणीय वेग, जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए। 13 अधारणीय वेग मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से थे 13 अधारणीय वेग, आप जाकर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, मेरी वीडियोज भी अवेलेबल हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति उन वेगों को रोकता है तो होता क्या है, व्यक्ति वायु, उसके अंदर वायु जो होगी कुपित हो जाएगी क्योंकि वो वेग को रोक रहा है। तो होगा क्या, और कफ की वजह से स्टमक के अंदर क्या है, पहले से ही कफ वहाँ पर इकट्ठा है अन्नमार्ग के अंदर, तो वहाँ पे होता क्या है, जो शल्य के समान यानी कि जैसे फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ पैदा करता है उसे बोला जाता है शल्य, उसके समान कष्ट देता हुआ, मतलब उसके समान वो कष्ट देता है, कौन, जो अन प्रेजेंट है, मतलब खाना प्रेजेंट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, वो कष्ट देता है और आमाशय में स्थित होकर, स्टमक के अंदर वो स्थित होकर तीव्र छर्दी यानी कि वॉमिटिंग और अतिसार को छोड़कर शूल आदि, मतलब दर्द को और चीज़ों को उत्पन्न करता है। ठीक है गाइज, अब देखिए एक जगह आप पढ़ोगे यहाँ पर, मतलब आम पढ़ोगे, आम किसे बोलते हैं, आम बोलते हैं जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसे बोला जाता है आम, मतलब कि आप पक खाने को, जो पका नहीं है। ठीक है, उसे बोला जाता है आम। अब इसके बाद में हम विसूचिका में वात आदि के लक्षण देखते हैं, मतलब विसूचिका जब होगी यानी कि पेट के अंदर हमारे, मतलब हमारी सॉरी बॉडी के अंदर सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है तो वो किसकी वजह से होती है। अगर देखिए कफ कुपित होगा तो क्या होगा, वात कुपित होगा तो क्या होगा, और पित्त कुपित होगा तो क्या होगा। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर अगर वायु कुपित होता है तो क्या होगा, शूल यानी कि दर्द होता है, भ्रम आता है, भ्रम यानी आना यानी कि पेट फूलता है, कंपन होता है, स्तंभ यानी कि स्टिफनेस, ये सब चीज़ें
जो होती हैं वो किसकी वजह से पैदा होती हैं, वो सब चीज़ें पैदा होंगी वात के कुपित होने से। पित्त के कुपित होने से क्या होता है, ज्वर यानी कि फीवर, अतिसार, डायरिया, त्रुट यानी कि प्यास और मूर्छा अनकॉन्शियसनेस पैदा होती है, ठीक है, उत्पन्न होती है। अब कफ के कुपित होने से क्या होगा, छर्दी, वॉमिटिंग, अंगों में भारीपन और अस्थीवन। अस्थीवन का मतलब क्या होता है, अस्थीवन का मतलब होता है स्पिटिंग, स्पिट जैसे थूकते हैं थूक, वो उत्पन्न होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है टॉपिक दंड अलसक। दंड अलसक क्या है, दंड अलसक किसे बोलते हैं, अत्यंत दूषित और दूषित आम दोषों से अवरुद्ध स्रोतसों वाले दोष जब तीव्र गति से जाकर संपूर्ण शरीर को डंडे के समान स्तंभ बना देते हैं, तब इसे दंड अलसक कहते हैं। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। होगा क्या, हमारा खाना है वो क्या है, हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो दूषित हो चुका है, दोषों की वजह से, दोष भी हैं वहाँ पर, तो दूषित आम दोषों से अवरुद्ध होगा क्या कि हमारे जो स्रोतस होते हैं यानी कि जो चैनल्स होंगे, अब चैनल्स ब्लॉक हो गए हैं, मतलब चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे, अवरुद्ध का मतलब है ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक हो जाएंगे तो जो हमारे दोष होते हैं, दोषों का मूवमेंट नहीं हो पाता, तो वो तिर्यक गति से, तिर्यक यानी कि तिरछी गति से, मतलब तिरछी गति से कुछ इधर तिरछी गति से जाकर पूरे शरीर के अंदर फैल जाते हैं। जब वो पूरे शरीर के अंदर फैलेंगे तो क्या करेंगे, डंडे के समान स्टिफनेस को पैदा करते हैं, स्तंभ बना देते हैं यानी कि टफ बना देते हैं, डंडे के समान स्टिफनेस को पैदा करेंगे वो, इसे ही दंडलसक बोला गया है। कब वो बोला गया है, जब हमारे स्रोतस ब्लॉक हो जाते हैं, दोष हमारे तिरछी गति से जाकर पूरे शरीर के अंदर फैल जाएंगे और हमारी बॉडी को स्टिफनेस मतलब स्टिफ हो जाएगी हमारी बॉडी, उसे बोला गया है दंडलसक। इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, इसकी चिकित्सा बताई नहीं गई। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मृत्युकारक होता है। मृत्युकारक क्यों होता है ये भी मैं आगे बताऊंगी आपको। देखिए दंडलसक वही कंटिन्यू हो गया है अभी, ये इसमें आमता कच्चा अन्न, जो आमता कच्चा अन्न है और कच्चा रस है, ठीक है, आमता कच्चा अन्न और कच्चा रस के स्रोतों के अवरोध हो जाने के कारण, आम रस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आम रस है यहाँ पे होगा क्या, जब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो आमता कच्चा अन्न है और जो कच्चा रस है, उसने क्या करा, चैनल को मतलब ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक हो गए हैं चैनल तो वहाँ पे क्या होगा, जो आम का रस होगा हमारा, सॉरी आम रस जो खाने को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, आम रस, जो आम रस होगा वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आम विष के अंदर परिवर्तित यानी कि कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आम रस जो होगा आम विष के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी चिकित्सा संभव नहीं होती, इसकी चिकित्सा आप संभव क्यों नहीं होती, क्योंकि देखिए आम जो आम होता है वो क्या है, शीत, वीर्य और गुरु होता है, ये शीत, वीर्य, गुरु है। अगर हमने इसकी चिकित्सा उष्ण चिकित्सा की इसमें आवश्यकता होती है, अगर हमने इसमें उष्ण चिकित्सा कर दी, मतलब उष्ण चिकित्सा दी, तो क्या होगा, विष की वृद्धि होगी, विष की वृद्धि होती है, तो विष क्यों क्यों होती है, विष की वृद्धि क्योंकि विष जो होता है वो उष्ण वीर्य है। ध्यान से समझिएगा, हम आम की चिकित्सा इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आम जो होता है वो शीत वीर्य है, ठीक है, ठंडा वीर्य होता है, वो शीत होता है और गुरु हैवी होता है। इसके अंदर हमें हमेशा, अभी आगे हम चिकित्सा क्रम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, हमें विपरीत चिकित्सा देनी पड़ती है पहले। अगर ये आम जो है ये शीत वीर्य है तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट चिकित्सा देंगे, ठीक है, यानी कि उष्ण चिकित्सा की आवश्यकता है इसके अंदर। अगर हमने उष्ण चिकित्सा दे दी तो होगा क्या कि उष्ण चिकित्सा देने पर विष की वृद्धि हो जाएगी, विष बढ़ जाएगा। विष क्यों बढ़ेगा, क्योंकि विष जो होता है वो उष्ण वीर्य है, वो इसीलिए बढ़ जाएगा। अब देखिए, अगर हम विपरीत देंगे मतलब अपोजिट चिकित्सा देंगे तो क्या हो रहा है, विष की वृद्धि हो रही है। लेकिन अगर हमने शीतल चिकित्सा दे दी, शीतल तो पहले से आम है, अब हमने शीतल चिकित्सा दे दी तो क्या होगा, अब आम की वृद्धि हो जाएगी। अब आम की वृद्धि होगी तो क्या होगा, दोनों में आम ज़्यादा होगा फिर, मतलब इसका मतलब ये है, ये शीघ्र ही मारक है, मतलब मृत्यु कारक है, तो इसलिए चिकित्सा हमें नहीं करनी चाहिए। देखिए अब मैंने नीचे लिखा हुआ है, आम विष अचिकित्स है, जो आम विष है वो अचिकित्स है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। अजीर्ण में भोजन करने वाले व्यक्ति में विष और अत्यंत पीड़ाकारक आम दोष के लक्षण के उत्पन्न हो जाने पर उस विष युक्त आम दोष की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पर है।
किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर हमने आम की चिकित्सा मतलब आम की चिकित्सा करेंगे हम, तो आम जो होता है वो शीत विर्य होता है, गुरु होता है। अगर हम इसमें उष्ण चिकित्सा देंगे तो विष की वृद्धि होगी। विष की वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि उष्ण विर्य विष होता है, ठीक है। अगर हमने शीतल चिकित्सा दी तो शीतल चिकित्सा हम क्यों देंगे, मतलब इसलिए देंगे क्योंकि उष्ण जो है वो उष्ण चिकित्सा से काम नहीं हुआ हमारा, मतलब उससे विष की वृद्धि होगी। अगर हम शीतल चिकित्सा देते हैं तो उससे क्या होगा, आम की वृद्धि होगी, तो ये शीघ्र ही मृत्यु कारक हो जाएगा। अब देखिए गाइज, इसके बाद देखते हैं हम, देखिए अब हमें पता चल चुका है दंडल सक की चिकित्सा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब अलसक, अलसक की चिकित्सा, अलसक की चिकित्सा में क्या करेंगे हम, वमन करते हैं। सबसे पहले हम वमन करवाएंगे। वमन कैसे? वच, नमक और मदन फल मिला हुआ उष्ण जल पिलाकर वमन कराते हैं। वमन यानी कि वॉमिटिंग करवाते हैं, ठीक है। वॉमिटिंग के बाद में स्वेदन, स्वेदन यानी कि फॉमेंटेशन, स्वेटिंग प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। फिर वायु तथा मल के अनुलोमन के लिए प्रति सॉरी फलवर्ती का प्रयोग करते हैं। फलवर्ती क्या होती है? फलवर्ती भी एक टाइप की वस्ती कर्म है, ठीक है। वस्ती कर्म मतलब एनल रीजन से दिया जाता है। तो हम अलसक की चिकित्सा कैसे करेंगे? वमन कराएंगे, स्वेदन कराएंगे। सबसे पहले वमन, फिर स्वेदन, ठीक है। और वायु और मल के अनुलोम, अनुलोम का मतलब क्या है? वायु के सही तरीके से सही मार्ग से निकलना अनुलोम होता है। अब देखिए विसूचिका की चिकित्सा, विसूचिका की चिकित्सा में क्या करेंगे हम, अत्यधिक बढ़ जाने पर, जब अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, परशीणियों मतलब एंकल, एंकल में दाह कर्म करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, रोगी को उपवास रखवाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, विरेचन। तो सबसे पहले क्या करना है, दाह कर्म एंकल में, दाह कर्म के बाद में उपवास यानी कि फास्टिंग, फास्टिंग के बाद में क्या करेंगे, विरेचन, ठीक है। तो ऐसे विसूचिका की चिकित्सा हो जाएगी। अब देखिए अजीर्ण में चिकित्सा, अजीर्ण में चिकित्सा क्या बताई गई है, आप ध्यान से समझिएगा। अजीर्ण में रोगी को अत्यधिक वेदना होने पर शूलनाशक औषधि नहीं पीना मतलब देना चाहिए उसे। देखिए जब खाना किसी का डाइजेस्ट नहीं हुआ है और उसे दर्द हो रहा है, ठीक है, दर्द है उसकी बॉडी के अंदर, तो हमें उसे शूलनाशक यानी कि दर्द को ख़त्म करने की चिकित्सा नहीं, वो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए मेडिसिन? मेडिसिन इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर मतलब स्टमक के अंदर उसके पहले से ही जो अग्नि है वो मंद है। जब अग्नि मंद है, खाना उसका डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी जो मेडिसिन है, औषधि जो है, वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमें अजीर्ण में उसे मेडिसिन नहीं देनी है, शूलनाशक। अब देखिए इन केस अगर उसे खाना डाइजेस्ट हो जाता है यानी कि खाना डाइजेस्ट हो गया, तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद में हमें क्या करना है, उसे मेडिसिन देनी है ऐसी जिससे उसके दोष जो हैं, जो वो विकृत हुए थे, दोष उसके पक जाएं और अग्नि जो है वो बढ़ जाए। गाइस सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि अगर किसी की भी बॉडी में खाना मतलब किसी के स्टमक के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसकी बॉडी में पेन है, तो हमें शूलनाशक औषधि उसे नहीं देनी है क्योंकि अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो मेडिसिन भी डाइजेस्ट नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर खाना डाइजेस्ट हो गया है उसकी बॉडी में लेकिन फिर भी उसकी मतलब पेट के अंदर क्या है, भारीपन हो रहा है, भारीपन होने पर हम क्या कर सकते हैं, दोषों को पकाने के लिए उसे मेडिसिन दे सकते हैं और जाठ रखने को तृप करने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। देखिए गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चिकित्सा, औषध की योग्यता, मतलब ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम, औषध जो हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं उसकी क्या योग्यता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।